सर बहुत हो गई पढ़ाई, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। दिशा लो, आज तुमने टिफिन नहीं लाया ना? नो यार थैंक्स, एक्चुअली घर में ना बहुत जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लीना नहीं नहीं लीना यार एक तो ले, प्लीज प्लीज। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। डस्टबिन में क्यों? डस्टबिन में फेंकने से तो अन का अपमान हो जाएगा। तुम ना मुझे दे दो, मैं रास्ते में किसी भूखे को दे दूंगी। डस्टबिन में डालने से तो बेहतर है कि किसी भूखे का ही पेट भर जाएगा। कहते हैं समय का एक एक क्षण और अन्न का एक एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे परिवार के हालात ऐसे थे कि मुझे होश संभालते ही अन्न की कीमत पता चल गई थी। अम्मा, और किसी भूखे की भूख मिटाना इंसान का सबसे जरूरी कर्तव्य है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ तेरा? मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? क्या हुआ अम्मा, मूड बड़ा खराब लग रहा है आज। पैसों का इंतजाम आज भी नहीं हुआ क्या? कौन देगा, इस उम्र में कोई काम तो देता नहीं, उधार क्या देगा। अम्मा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस 6 महीने में मेरी LLB पूरी हो जाएगी, फिर मैं बहुत अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी, मैं सब सही कर दूंगी अम्मा। हाँ अम्मा, और मैं तो बर्तन मांजने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, देखते हैं तू कौन से तीर मारती है। चेची ये ना बहुत हिंसक उदाहरण है, देखना तेरी दिशा झंडे गाड़ेगी झंडे। चाहे जितने भी झंडे गाड़ ले, पर ये ऊंची जात वाले कभी हमें ऊंचा नहीं देख सकते। अम्मा ये दुनिया क्या सोचती है सोचने दो, पर हमारे देश का संविधान ना हम सबको बराबरी का दर्जा देता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, होता नहीं है ऐसा कुछ भी। सच ही बोलती थी अम्मा, हम गरीबी से ज्यादा लोगों की भेदभाव भरी सोच से लड़ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अम्मा को हौसला देती कि हमें झुकना नहीं है, लोगों की उस सोच से लड़ना है जो दूसरों को कभी ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। ये आवाज कैसी? ये जरूर ऊंची जात वालों का काम है, बताती हूँ मैं उन्हें, छोड़ूंगी नहीं अभी। अरे सुनो तो, कौन है? कौन है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ, चाहे जितना भी कर लो तुम लोग, एक बात कान खोल के सुन लो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे हिम्मत है तो सामने से पत्थर मारो। अम्मा इन कायरों के सामने ना गला पाड़ने से कुछ भी नहीं होगा, पर इनको इनके किए की सजा ना एक दिन जरूर मिलेगी। आप अंदर चलो, चलो अम्मा। दिशा, दिशा दरवाजा खोल, दिशा, दिशा दरवाजा क्यों नहीं खोल ले? दिशा, दिशा वो
वो दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। आप लोग मेरी मदद करेंगे क्या? वो दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही, आप चलकर मेरी मदद करेंगे क्या? अरे तामसी, अरे श्रीधरन, वो मैं बाहर गई थी तब दिशा अंदर पढ़ रही थी, अभी जब वापस आई तो वो अंदर से दरवाजा ही नहीं खोल रही है। जरा देखो तो। दिशा, दिशा, दिशा दरवाजा खोल। दिशा दरवाजा खोलो। अभी क्या करूं मैं? आपने पीछे वाला दरवाजा चेक किया क्या? नहीं, पीछे वाला दरवाजा तो नहीं चेक किया। चलो देखते, आओ आओ जल्दी। उधर से तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है दिशा कहीं ताला लगा चली गई हो। अरे शशिधरन, हम लोग पीछे के दरवाजे से कभी भी आते जाते नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो फोन है मेरा, दिशा के पास फोन लगा। क्या हुआ? हाँ, घंटी जा रही है। फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे दिशा, दिशा, अम्मा क्या हुआ? परेशान रूपा, दिशा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। शशिधरन, दरवाजा तोड़ दो जल्दी। दिशा, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो शशि। मुझे लगता है ना, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस? हाँ। टेंशन मत हो, बस 6 महीने में मेरी एलएलबी पूरी हो जाएगी, फिर मैं बहुत अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देखना तेरी दिशा झंडे गाड़ेगी झंडे। उन्हें अस्पताल ले जाओ। सर बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, लगता है मल्टीपल स्टैबिंग केस है। देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या? ओके सर। कहीं भी मर्डर वेपन नहीं है, और ना तो फोर्स्ड एंट्री के साइन है ना लूट के। गौड़ा, तुम्हें घर देख के लगता है कोई यहाँ लूट के लिए घुसेगा? मोटिव क्लियर है, मर्डर। पर इसके बाद किलर यहाँ पीछे के दरवाजे से भाग। चेक करते, खोलो, इसे खुलवाओ और पड़ोसी को अंदर भेजो। ओके सर। सर दिशा की अम्मा ने बताया कि उन्हीं के घर का ताला है, और वो लोग हमेशा पीछे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया करते थे, और आने जाने के लिए सामने वाले दरवाजे का ही इस्तेमाल किया करते थे। चेक करो। पर जी इसको बारीकी से चेक करो। यस सर। आप आ रहिए प्लीज। जी सर। सर हो सकता है कि दिशा ने मर्डर करने वाले को खुद घर के अंदर आने दिया हो सकता है दिशा उसे जानती हो। घर के अंदर आने के 2 दरवाजे हैं, तो मर्डर करने वाला इस दरवाजे से आया होगा या पीछे के दरवाजे से? वो आया कहीं से भी हो, लेकिन जितनी बेरहमी से उसने दिशा को मारा है, वो चीखी चिल्लाई तो जरूर, उसके बाद उसने घर से ही ताला उठाया, पीछे के दरवाजे को बाहर से ताला लगा और फिर वहीं से भाग गया। यहाँ इतना सब कुछ हुआ तो दिशा की चीखें पड़ोसियों ने तो सुनी हो।
शायद किलर को घर के अंदर आते हुए देखा होगा या फिर घर के पीछे से भागते हुए। लेकिन शशिधरन के अलावा और कोई पड़ोसी सामने नहीं आया। बाकी के पड़ोसियों से पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। सब मैं क्या, आसपास का कोई भी तीनों माँ बेटी से मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा क्या सर, दोष इन लोगों का नहीं, इन लोगों की बुद्धि का है। ये लोग जात पात है ना बहुत मानते, उठना बैठना तो दूर, ये लोग उनसे बात तक नहीं किया करते थे। तुम्हें कोई अंदाजा है कि दिशा से किसने किस बात का बदला लिया होगा? नहीं सर, इन सब बातों का मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं तो बस अपने काम से वापस आ रहा था और तब ये सब होते हुए देखा मैंने। माना आपने दिशा के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन आपका घर तो दिशा के घर के बिल्कुल बराबर में है। आपने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें तो सुनी होंगी। साहब, इन तीनों माँ बेटी के आए दिन झगड़े होते रहते थे। शाम को भी काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मुझे क्या पता अंदर मर्डर हो रहा है। तो मतलब आपने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, तब टाइम क्या हुआ होगा? तकरीबन 5:30-6 बजे होंगे। दिशा जिस वर्ग से आती थी उसने इस केस को बेहद ही संवेदनशील बना दिया था और दिशा की हत्या के इस केस को मीडिया काफी कवरेज दे रहा था। दिशा बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, फिर भी वो स्कॉलरशिप से LLB कर रही थी। लेकिन आज भी हमारे समाज में उसकी जाति के लोगों को भेदभाव सहना पड़ता है। दिशा की हत्या ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SIT का गठन किया गया और केस की अगुवाई SP सुरेंद्र सिंह को सौंप दी गई। सर, 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 इस मर्डर केस के बारे में कुछ बताइए सर। क्या दिशा की मौत में बाकी जातिवाद का कोई एंगल है, जैसे कि मीडिया हाइप बना रही है? सर, ये तो तय है कि दिशा का परिवार आसपास के लोगों के भेदभाव का शिकार हो रहा था। पर जिस तरह मर्डर हुआ है लगता है किसी ने दुश्मनी निकाली। हमें क्राइम सीन से तो पता नहीं चला, लेकिन जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने बोला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चाकू से वार किए गए। तो दिशा के मर्डर से पहले उसके साथ रेप भी हुआ था? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पता तब चलेगा जब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। दिशा की फैमिली ने किसी पर शक जताया? दिशा की मदर काफी सदमे में और दिशा की बड़ी बहन रूपा दिशा और अपनी मदर की हालत की वजह से दोहरे सदमे में। उनका बयान तो नहीं ले पाए, लेकिन मर्डर के अगले दिन सुबह जब घर के पीछे छानबीन चल रही थी हमें एक क्लू मिला। हमें एक आदमी की लेफ्ट पाव की 9 नंबर की स्लीपर मिली जिसपे खून के धब्बे हैं। हमने स्लीपर को फोरेंसिक लैब भेजा है चेक करने के लिए कि क्या वो खून दिशा का है, लेकिन मुझे यकीन है ये स्लीपर उसी किलर का है जो दिशा के घर से भागते हुए उसके पैर से निकला होगा। तो फिलहाल हमारे पास एक ही क्लू है कि किलर कोई आदमी हो सकता है जो 9 नंबर का जूता चप्पल पहनता है। लेकिन दिशा के घर में तो तीनों औरतें ही है ना? सर, पता चला है कि दिशा का फादर भी, जो दिशा जब 4 साल की थी फैमिली को छोड़ के अलग रहने लगा है। क्या नाम है उसका और वो घर छोड़ के क्यों गया था? उसका नाम गोपेश्वर है, उर्फ गप्पू, यही मुड़ुगुरु में रहता है। हमने खबरियों को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल दिया। वजह तो दिशा की मदर बता देगी कि इस गोपेश्वर ने उन्हें छोड़ा क्यों था। ठीक है, मैं दिशा की फैमिली से बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दिशा एक कॉलेज में स्टूडेंट थी, LLB कर रही थी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में से उसके किसी बॉयफ्रेंड का कोई एंगल मिला है? सर, दिशा फोन नहीं रखती और LLB भी वो स्कॉलरशिप पे कर रही थी, लेकिन दिशा के घर से हमें उसके मदर का फोन मिला है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, शायद उस नंबर से वो किसी लड़के से बात करती हो। लेकिन आगम, हमें इस केस में हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना है। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं। एक टीम दिशा की फैमिली और दिशा से जुड़े हर पर्सनल एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, दिशा के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, जिल्टेड लवर, सब कुछ। और दूसरी टीम आउटसाइड एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, दिशा के अड़ोसी पड़ोसी या बाहर का कोई भी ऐसा आदमी जिसका उसके कत्ल में कोई हाथ हो सकता है। और गौड़ा, उस एरिया को फिर से एक बार स्कैन करो जहाँ से हमें वो खून में सनी हुई चप्पल मिली थी, शायद कोई और क्लू मिले। सर,
दिशा की हत्या में परिवार के अंदरूनी और बाहरी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। दर्जनों पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गए। दिशा की मां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था और दिशा की बड़ी बहन का बयान भी लेने की कोशिश की गई। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आपको किसी पे शक है जो दिशा को इस तरह से मार सके? साहब, हमारा कोई एक दुश्मन नहीं है। इस मोहल्ले में सभी लोग हमारी जात की वजह से हमसे घृणा करते हैं। कोई हमें पसंद नहीं करता यहाँ। लेकिन ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो दिशा की जान लेने पर उतारू हो जाए? साहब, मुझे कुछ भी पता होता है तुम पहले आपको सब कुछ बता देती। अच्छा, दिशा की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, उसका सारा फोकस अपनी स्टडी पर रहता था। उसकी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं था। लेकिन हो सकता है कोई लड़का उसे परेशान करता हो, उसका पीछा करता हो। उसका हमें कोई आइडिया नहीं। वो अपनी प्रॉब्लम भी कोई शेयर नहीं करती थी हमसे। और इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि उसकी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल है। सर, हम ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इतनी पुअर थी और उसके घर में खाने के भी प्रॉब्लम थे। अब समझ में आया कि वो कभी कभी लंच बॉक्स क्यों नहीं लाया करती थी। और वो इतनी स्वाभिमानी थी कि हमसे भी खाना नहीं लेती थी। दिशा, लो, आज तुमने टिफिन नहीं लाया ना? नो यार, थैंक्स। एक्चुअली घर में ना बहुत जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और हमें अपने घर ले जाना भी अवॉइड करती थी। मैं क्या सोच रही थी, अब गार्डन में पढ़ने के बदले बारी बारी अगर एक दूसरे के घर चले जाए तो कैसा रहेगा? नहीं यार, घर नहीं। अरे एक्चुअली सनलाइट इज गुड फॉर हेल्थ ना, और सनलाइट में तो कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहता है, तो हम यहीं पढ़ेंगे। सर, वी ऑल लव हर। ये सोच के भी गुस्सा आ रहा है कि इतना कोई क्रूअल कैसे हो सकता है। सर, प्लीज फाइंड अ कल्प्रिट, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ बोल। सर, दिशा के बाप के बारे में सब कुछ पता कर लिया है मैंने। एक नंबर का दारूबाजा जुआरी आदमी है। उसके पुराने दोस्तों से पता चला है कि दिशा और दिशा की फैमिली को छोड़ा क्यों। ठीक है, तू नजर रख। जब हमारे बाबा हमें छोड़कर गए तब दिशा और मैं बहुत छोटे थे, और उनके जाने का कारण अम्मा ने हमें कभी नहीं बताया। अच्छा, आपके पिता के अलावा आपकी फैमिली में, आपकी रिश्तेदारी में और कौन कौन मर्द है? मेरा पति। आपका पति? लेकिन आपकी बहन दिशा का मर्डर हो गया और ऐसे वक्त में भी वो आपके साथ नहीं? सब दरअसल 2 साल पहले ही मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं जान सकता हूँ आपने अपने पति को क्यों छोड़ा? साहब, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हर रोज झगड़ता और मुझे कोसता रहता था। मेरा दिमाग खराब था कि मैंने तुझसे शादी की। न शकल न सूरत, न अकल न सलीका। अरे तुझसे अच्छी तो तेरी बहन है। तुम दोनों को देख के कौन कह सकता है कि तुम दोनों बहन है? और फिर कुछ समय बाद पता चला कि उसका चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर अम्मा के पास चली आई। सब पता चल गया मुझे। हाँ, विजय का फोन आया था, इसका थोड़ा सा झगड़ा हुआ विजय से और तुम इसको उठा के इधर ले आई। अरे अम्मा, कोई छोटी बात नहीं है, उसका किसी और औरत से चक्कर चल रहा है। क्या? पर वो तो बोल। अब अपने मुंह से थोड़ी ना बताएगा वो अपनी करतूतें। बस अम्मा, बहुत हो गया, अब चिची कहीं पे भी नहीं जाएगी। दिशा तो हमारा तलाक ही करवाना चाहती थी। नाम क्या आपके पति का? विजय नायर। तो आपका और विजय का तलाक हो गया? नहीं, पिछले कुछ समय से विजय मुझसे और अम्मा से माफी मांगने आ रहा था, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसके पास वापस जाऊं। सर, जहां हमें वो 9 नंबर की चप्पल मिली थी वहां से करीब 400 मीटर आगे ये चाकू मिला है। हो सकता है यही मर्डर वेपन हो। हो सकता है इस पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हो। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। गौड़ा, तुमने बताया था कि दिशा की हत्या के वक्त उसके पड़ोसियों ने उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया, तो ये भेदभाव का ही मामला है या किसी पड़ोसी के खिलाफ कुछ मिला है? सर, पड़ोसियों के खिलाफ तो वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जिन पड़ोसियों से मेरी पहले बात हुई थी मैंने उनसे दोबारा पूछताछ की। साहब, मैं मानती हूँ उनकी चीखें सुनी थी, लेकिन उनके घर पे कोई आता जाता नहीं देखा। तुमने देखा नहीं, अपने जात वाले किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। साहब, हमारा जात वाला उन औरतों के आसपास भी नहीं भटकता। वो आदमी उनका ग्राहक ही होगा।
सर उन्होंने तो यह आरोप तक लगा दिया कि तीनों माँ बेटी प्रोस्टिट्यूट थी और तीनों के बीच में काफी झगड़े होते थे। किस बात को लेकर? चेची, चेची छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए इसे। नहीं दिशा, मैं अब अम्मा पर और बोझ नहीं बनना चाहती। इस पति ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और अब अम्मा कितनी हैसियत नहीं कि मेरा पेट पाल सके। रूपा, रूपा, छोड़ इसे, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई जो दो बात कह दी तुझे, अब अंदर से नहीं कहूंगी। अब ये तमाशा बंद कर और अंदर चल। चलो चेची अंदर। सर हमने पता किया, जिस वक्त दिशा का मर्डर हुआ उस वक्त उसकी माँ बहन घर पे नहीं थे। उससे जिस तरह से दिशा का मर्डर हुआ है उससे लगता नहीं कि इसमें माँ या बहन का हाथ होगा। अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा? अम्मा, नर्स, देखिए ना अम्मा को क्या हो गया। दिशा की फ्रेंड्स ने दिशा के कैरेक्टर के बारे में सब अच्छा ही बोला है, लेकिन दिशा की बहन रूपा का कहना है कि उसके पति विजय का कैरेक्टर खराब था, इसी वजह से उसने उसको छोड़ा। वही दिशा की माँ को कई साल पहले ही दिशा के बाप ने छोड़ दिया था। हो सकता है इन तीनों माँ बेटी का ऐसा कोई राज हो जो दिशा की मौत से ताल्लुक रखता हो। दिशा के बाप को तो राघव लेके आ रहा है। गौड़ा, तुम रूपा के पति विजय के बारे में और अच्छे से पता करो। ओके सर। पीछे ने छोड़ रहा है। चलो चाचा फेंको पत्ता। गोपेश्वर उर्फ गप्पू, तुम हो? हाँ, क्या बात? ले चलो इसे। लेकिन बात क्या साहब? तुम्हारी छोटी बेटी दिशा का मर्डर हो गया, तुम तो जानते ही होगे। अरे लेकिन साहब बात तो सुनो, मेरा उनसे क्या लेना देना साहब? मेरी बात तो सुनो साहब, क्या लेना देना मेरा उनसे साहब? साहब मुझे उन लोगों को छोड़े 25 साल हो गए और आप उस पुरानी बात को लेके मुझ पर शक कर रहे। हमारे शक की छोड़, अपने शक की बता। तुझे ये डाउट था ना कि दिशा तेरी बेटी नहीं है, इसीलिए तूने अपने परिवार को छोड़ा। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी का चरित्र सच में खराब था, मानता हूँ। मैंने दिशा को कभी अपनी बेटी नहीं मानी। अगर मुझे किसी को मारना होता तो मैं 25 साल पहले अपनी बीवी को मारता। लेकिन 25 साल बाद मर्डर बेटी का हुआ। नहीं चप्पल पहनी? नहीं चप्पल? आप कहना क्या चाहते? सब समझ में आ जाएगा। 9 नंबर की चप्पल पहनता ना? 10 नंबर की चप्पल है साहब, और मैं आदमी भी 10 नंबर का हूँ। जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, लेकिन साहब कभी किसी से बैठा नहीं। और आप मर्डर का आरोप लगा रहे। राघव, इसके फिंगरप्रिंट्स लेकर इसे जाने दो और दिशा की हत्या वाली शाम की इसकी एक्टिविटीज चेक करो। दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स में से दिशा के किसी बॉयफ्रेंड का नंबर मिला? सर अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि दिशा का कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। दिशा की माँ के कॉल रिकॉर्ड्स और अच्छे से खंगाल। पति चरित्रहीन बोल के छोड़ के चला गया था और पड़ोसी भी प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो दिशा की मौत की वजह बना। जी सर। दिशा की हत्या का असल मोटिव क्या होगा, ये अब भी इस केस का सवाल बना हुआ था। और इसी दौरान दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जो बेहद ही चौंकाने वाले थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब तो यह साफ हुआ है कि दिशा के साथ रेप भी हुआ था। तो रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चाकू से मल्टीपल वार किए गए। लेकिन राघव, हैरान करने वाली बात यह है कि दिशा के ब्लड में से अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। अगर उसने हत्या से पहले शराब पी थी तो क्या उस किलर के साथ पी थी? और फिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो वारदात में तब्दील हो गया? सर माना कि दिशा के खून में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि उसके मर्डर के 8 घंटे पहले से उसने कुछ भी नहीं खाया। तो हो सकता है शराब भी उसे जबरदस्ती पिलाई गई। इसके अलावा सर दिशा, उसकी माँ और उसकी बहन के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि उन लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व। और दिशा के लाइफ में कोई लड़का भी नहीं था। लेकिन राघव, फोरेंसिक रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो गई है कि 9 नंबर की चप्पल और उस चाकू पर मिला खून दिशा का ही था, और उस चाकू और घर पर मिले फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के थे। इसका मतलब है सारा कांड एक ही आदमी का किया हुआ है। यार, ये भिखारी यहाँ पे काफी दिन से दिखाई नहीं दिया। हाँ यार, दिशा का रेप और मर्डर जब से हुआ ना तब से ही गायब है, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। चल देखते हैं। चलो। क्या रे, ए किधर तर है? हाँ बोल, कहाँ था भाई तू?
रेप करता है, मर्डर करता है। पीछे लो, चलो पीछे। सर सांस चल रही है, इसी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके सर। सर शायद इसी ने दिशा का रेप और मर्डर किया है। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसे सजा कानून देगा। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? इसको काफी चोटें आई हैं और काफी खून भी बह चुका है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। क्या लगता है गौड़ा, उस आदमी का दिशा के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? सर मैंने दिशा की फैमिली से पता किया, उन्होंने बताया कि दिशा उस भिखारी को अक्सर खाने का सामान दिया करती थी, लेकिन उन्होंने उस पर किसी भी तरह का शक नहीं जताया। वो सर एक बात तो तय है कि जब से दिशा का मर्डर हुआ तब से वो भिखारी गायब था। जैसे उसकी हालत थोड़ी स्टेबल होती है उसका भी DNA टेस्ट करवाओ। ओके सर। सर मुझे ये नहीं पता कि रूपा अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती थी, लेकिन उसका पति हमेशा यहाँ आया जाया करता है और कुछ दिन पहले तो वो रूपा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश भी कर रहा था। कहीं नहीं जाएगी ये। बीवी है मेरी वो, देखता हूँ तू कैसे रोकती। चल चल छोड़। आप पता है बीवी है तेरी? अगर तू उसे बीवी मानता ना तो किसी और औरत के साथ रिश्ता नहीं रखता तू। तेरी चेची भी ना कुछ कम नहीं है, इसकी सच्चाई तुझे पता चली ना तो। खराब खुद है और आरोप मेरी चेची पे लगा रहा है ना। चल निकल ऐसे, निकल निकल, वरना 100 नंबर लगा के ना पुलिस को बुलाऊंगी। भाग। मैंने कुछ भी नहीं किया। 16 जून की शाम तूने दिशा का मर्डर किया था? नहीं सर, उस वक्त मैं ड्यूटी पे था। सर मैं मानता हूँ कि उनके साथ मेरी नहीं बनती, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया। रूपा मुझ पर बेकार में शक करती थी। मेरा यकीन मानिए, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं सर। लेकिन तू अपनी बीवी रूपा को बोलता था कि तुझे रूपा से ज्यादा दिशा पसंद थी, लेकिन दिशा ने पूरे मोहल्ले के सामने तेरी बेइज्जती कर दी। गुस्सा तो आया होगा, इसलिए तूने उसे सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसके साथ अपनी हवस भी पूरी की। नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दो सर। दिशा का रेप हुआ है, ऐसे नहीं जाने देंगे। इसका DNA टेस्ट करवाओ। दिशा की बॉडी पे जो DNA मिला था वो जरूर इसी का होगा। हेलो, क्या सर जिस आदमी को लोगों ने दिशा के घर के पास पीटा था उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है? सर दिशा से रिलेटेड एक और बात पता चली है। दिशा ने करीब 2 महीने पहले एक राजू नाम के आदमी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया, लेकिन बाद में वो केस वापस ले लिया। केस के डिटेल्स में लिखा है कि इस राजू ने दिशा की माँ को अपनी बाइक से रौंद के मार देने की कोशिश की। इस राजू को पूछताछ के लिए बुला लिया। सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? राजू हमें पता चला है कि दिशा ने तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने की कोशिश की थी। हाँ सर। सर लेकिन उसने मेरे खिलाफ झूठा केस डाला था, वो बहुत चालाक लड़की थी सर। उस चालाक लड़की का मर्डर हो चुका है? हाँ सर मुझे पता चला। लेकिन सर मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? लड़का स्मार्ट है, सही ट्रैक पे जा रहा। अब ये बता दिशा को मारा कैसे? लेकिन सर मैं उसका क्यों मर्डर करूंगा? तुझ पर झूठा केस डाल के तुझे परेशान तो किया ही था उसने, हो सकता है उसे मारने का कोई और मकसद भी हो तेरे पास। सर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो मुझे बदनाम करना चाहती थी। मैं तो अपनी बाइक पे शांति से जा रहा था, उसकी माँ जानबूझ के बीच में आ गई। दिखता तो तेरी माँ को नहीं, ये जानबूझ के बाइक के आगे आई है। अच्छा खुद टक्कर मार के इनको गिरा दिया और हमें यहाँ के दिखा रहा है? मैं तुम लोगों की परछाई से भी दूर भागता हूँ और ये तुम्हारे चक्कर इस बाइक को धुलाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है तू? सर उसने ऐसा बवाल मचाया कि मुझे थाने के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ गए। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया तब जाके मानी, तब जाके उसने केस वापस लिया था। मतलब जिन लोगों से तू बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझता था उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा? हाँ सर, और मुझे गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन सर मर्डर मैंने नहीं किया। मर्डर ही नहीं उसका रेप भी हुआ है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं वाले हम। दिशा के रेप और ब्रूटल मर्डर में पुलिस हर संदिग्ध की DNA जांच कर रही थी। मीडिया और जनता लगातार दिशा को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही थी और पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना के अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही थी। और इस सब के बीच दिशा की मां बयान देने की स्थिति में आई और उसका बयान इस केस को एक नई दिशा देने वाला था।
मेरी बच्ची चाहिए। देखिए वो तो अब लौट के नहीं आ सकती, लेकिन जिस किसी ने उसे मारा है उसका पता लगाना हमारा काम। आप जरा अच्छे से याद करके बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा कुछ देखा या नोटिस किया जिसका कनेक्शन दिशा की मौत से हो सकता है। हाँ साहब, एक रात पहले किसी ने हम पर हमला किया था। हमला? हाँ। कैसा हमला? रात को हमारी छत पर किसी ने पत्थर फेंके थे। मैं बाहर आकर देखी तो वहां कोई नहीं दिखा, पर अगली सुबह मैंने देखा। अम्मा, तेरे लिए नहाने का पानी रख दिया है, जाके नहा ले। मुझे लगा कि वो बीड़ी और माचिस मेरे पड़ोसी का है जिन्होंने हमारे छप्पर पर पत्थर फेंका था। पता लगाने की सोच ही रही थी तब तक। तो वो बीड़ी और माचिस इस वक्त कहाँ है? मेरे घर। काफी लो क्वालिटी की बीड़ी, इस तरह की बीड़ी लेबर क्लास के लोग ही पीते हैं। 9 नंबर की चप्पल के बाद अब पुलिस के सामने उस ब्रांड की बीड़ी आई जो शायद दिशा का हत्यारा पीने वाला हो सकता था। इस अनुमान के आधार पर पुलिस इलाके के उन वर्गों के लोगों की जांच करने लगी जो गुनहगार हो सकते थे, और तभी एक नई सूचना सामने आई। सर, पता चला है कि कुछ दिनों पहले दिशा की मगर का कुछ मजदूरों के साथ झगड़ा हुआ। पैसा लेके भाग जाऊंगी क्या? घर बना रही हूँ तो रहने के लिए, अभी काम मत रोको, पीछे वाली पूरी छत बाकी है। चल, ये चल। तो तुम बहुत दिनों से कह रही हो। एक शब्द पे पैसा छोड़ सकता हूँ अगर आप बदले में। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, अरे ऐसे दोबारा बोला ना तो जान से मार दूंगी। चल भाग यहाँ से, नहीं बनवाना तेरे से घर। उन मजदूरों में से सिर्फ एक मजदूर के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स मिल पाए। हो सकता है उन मजदूरों में से कोई एक हो। उठा के लाओ सबको। जी सर। साहब, क्या गलती हो गई हमसे? सब पता चल जाएगा। ये बताओ तुम में से महताब बीड़ी कौन कौन पीता? मैं पीता हूँ सर। घोड़ा, जो आदमी चुप है शुरुआत उसी से करें। तुम में से 9 नंबर की चप्पल कौन कौन पहनता? साहब आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? तू सोच क्या जानना चाहते हैं। 16 जून की शाम को दिशा के घर कौन गया था? किसने मारा दिशा को? हमने नहीं मारा साहब। याददाश्त ताजा करवाओ इनकी, देखो कौन सबसे पहले मुंह खोलता है। रूपा का तो चाह कर भी घर नहीं बसा पाए, पर तू तो शादी कर ले। अम्मा, शादी से भी ज्यादा जरूरी है कि मैं LLB पूरी करके कहीं जॉब ढूंढूं, उसके बाद सोचूंगी शादी का। शादी के बाद भूल तो नहीं जाएगी हम लोगों को। अरे क्या हुआ, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? ये लो, लो। क्या है ये? अम्मा, ये है मेरी विल, मतलब की वसीयत, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपका और चेची का। दोबारा ये मरने की बात मत करना कभी।
सभी लेबरर्स को तोड़ा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। इन सबका डीएनए टेस्ट करवाओ, और इनके अलावा उस एरिया में जितने भी मजदूर काम करते हैं और दिशा का कोई भी अड़ोसी पड़ोसी जिस पर जरा सा भी शक है, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। सर, एक तरफ जहां दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चाबंदी शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने शक की पुष्टि करने के लिए इलाके के दर्जनों लोगों का डीएनए टेस्ट करवा रही थी। सर, दिशा के घर के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। पता चला है कि दिशा के मर्डर के बाद वहां से 3 वर्कर्स गायब है, समीर, जुगल और अकील। सर, ये जुगल और अकील वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और समीर आसाम का। इन तीनों के एड्रेसेस नहीं मिल पाए, लेकिन इनके साथ जो वर्कर्स काम करते थे उनसे इनके फोन नंबर्स मिल गए। सर, समीर और अकील का फोन स्विच्ड ऑफ, लेकिन इस जुगल का फोन अब भी स्विच्ड ऑन। इसके साथ काम करने वाले एक वर्कर से हमने इसे फोन करवाया, लेकिन इसने फोन उठाया नहीं। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, इन तीनों को यहाँ आसपास कभी देखा है आपने? नहीं, कौन है ये लोग? हमें शक है दिशा के रेप और मर्डर में इन तीनों का हाथ हो सकता है। सर, इस समीर का फोन दिशा की मर्डर वाली रात से ही आसाम की तरफ मूव करने लगा और वहां पहुंचते ही स्विच ऑफ हो गया। ये समीर और अकील के फोन दिशा के मर्डर के अगले दिन सुबह से वेस्ट बंगाल के बीरभूम एरिया की तरफ मूव करने लगे। वहां पहुंचने के बाद अकील का फोन 2 दिन बाद स्विच ऑफ हुआ, लेकिन जुगल का फोन अब भी बीरभूम एरिया में एक्टिव है। यानी कि इन तीनों के गायब होने की वजह दिशा के मर्डर से जुड़ी हो सकती है, और हो सकता है जुगल इन दोनों के बारे में कुछ जानता हो। राघव, बीरभूम जाने की तैयारी करो और किसी भी तरह जुगल के फोन को ट्रैक करके उस तक पहुंचो। अकील, जुगल और समीर को संदिग्ध मानते हुए पुलिस उनको ढूंढने में जुट गई, और काफी कोशिशों के बाद पुलिस को जुगल का पता चला। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो यहाँ पे अपने कजिन की शादी में आया हूँ, और मैं 2 दिन बाद ही वापस जाने वाला था सर। बल्कि मैंने तो वापसी की टिकट पहले से बुक करवा रखी है सर। अकील और समीर कहाँ हैं? सर, अब मुझे पता चला कि उस रात समीर को मुड़ी ग्रुप से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। ए अकील, यार मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। अरे मुझे जल्द से जल्द आसाम जाना। सर, मैंने उसे 2000 रुपए दे दिए, उसी रात वो सर आसाम के लिए निकल गया। सर, तब मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है सर वो शायद आप लोगों से डर रहा था, इसलिए सर मर्डर करने के बाद वो यहाँ भागा। कि समीर अभी कहाँ मिलेगा? शायद अपने गांव में आसाम। वहाँ का पता है तुम्हारे पास? हाँ है सर। उसका पता हमें दो, और तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा डीएनए टेस्टिंग करने। समीर नहीं मिला? नहीं सर, ये समीर आसाम से भी भाग गया है, और उसके घर वाले भी ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। उसका फोन अब भी बंद है, और उसका कोई दूसरा नंबर भी नहीं मिला। समीर के सभी घर वालों का नंबर सर्विलेंस पर डालो, वो उनसे कभी ना कभी तो कांटेक्ट करेगा। उसका लुकआउट नोटिस जारी करो एंड सेंड हिज फोटोग्राफ्स टू ऑल पुलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया। समीर का गायब होना उसे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था, उसकी तलाश जारी थी। तभी उस कार्तिक नाम के व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आई, जिसपे दया करके दिशा अक्सर उसको खाना दिया करती थी। सर, जिस कार्तिक नाम के आदमी को लोगों ने दिशा का रेपिस्ट और मर्डर होने के शक में मार दिया था, उसके फिंगरप्रिंट्स दिशा के घर और चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक की मौत इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से हुई थी, और मौत के 36 घंटे पहले तक से उसने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब उन लोगों ने बिना सोचे समझे ऐसे आदमी को मारा जो बेचारा भीख मांग के अपना पेट पाल रहा था। ऐसे लोगों की वजह से ही दिशा और उसके परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ा। ऐसे लोगों के इग्नोरेंस की वजह से ही दिशा के साथ रेप और उसकी हत्या करने वाले को दिशा के साथ इतनी जाती करने का हौसला मिला। अगर ये लोग पहली दिशा की चिल्लाने से इकट्ठा हो जाते तो दिशा के साथ इतना बुरा कभी नहीं होता।
सो समीर ने अपनी वाइफ को कॉन्टेक्ट किया पर अभी वो कांचीवेलम के हार्डवेयर गोडाउन के पास। तुम अकेल को अपने साथ लेके कांचीवेलम जाओ, हो सकता है उसके जरिए हम समीर को अरेस्ट कर सकें। जी सर। समीर। अरे अकेल कैसा लग रहा है भाई? मुझे पता चला कि उस घर में तीन औरतें रहती हैं। मेरी नजर उस घर की दोनों जवान लड़कियों पर थी। मैं बस मौके की तलाश में था। मुझे पता चला कि आसपास के लोग भी उनसे बात नहीं करते, यही जानने के लिए उस रात में वहां गया था और मैंने उनकी छत पर पत्थर भी फेंके थे। उसके इतने चिल्लाने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मुझे लगा कि मैं उस लड़की के साथ कुछ भी करूंगा तो आसपास के लोग उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। मैंने सोच लिया था सर कि जिस दिन उस घर में कोई लड़की अकेली होगी तो मैं वहां जाऊंगा जरूर। जी दिशा की मदर रामेश्वरी आप ही हैं? जी जी, आपके और दिशा की बहन रूपा के लिए। दिशा के लिए ट्रस्ट बनाया था ना, जिसमें लोगों ने हमारी मदद करने के लिए पैसे जमा किए थे, उसी का चेक। अम्मा ये है मेरी विल, मतलब कि वसीयत, और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने से पहले और मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको और चीची का। दिशा एक ऐसा संघर्ष कर रही थी जो काबिले तारीफ था। दिशा की हत्या उसके परिवार के लिए जितनी दुखद है उतनी ही इस समाज के लिए भी दुखद है, क्योंकि दिशा जैसे प्रतिभावान लोगों की हमारे समाज को जरूरत है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें जातीय मतभेदों का पीड़ित बना देते हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।